आज हम एक ऐसी डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसको करने के बाद आप यहाँ पे गवर्नमेंट के रेलवे सेक्टर में, आर्म फोर्सेस में या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिल सकता है, जॉब्स मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप इंडिया काम नहीं करना चाहते, इंटरनेशनल काम करना चाहते हैं, अब्रॉड काम करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास मौके हैं। टूरिज्म में मौके हैं, बैंकिंग में मौके हैं, मर्चेंट नेवी में मौके हैं, एविएशन में मौके हैं, फूड चेन्स में आप काम कर सकते हैं, फ्लाइट किचन में आप काम कर सकते हैं, बिग जो होटल्स से लार्ज होटल से उनमें काम कर सकते हैं, शेफ बन सकते हैं। इतनी सारी जो अपॉर्चुनिटी है आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, एक यहाँ पे जो पूरा का पूरा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डोमेन है वो प्रोवाइड करा रहा है, जिसका नाम है दोस्तों होटल मैनेजमेंट। और आज का वीडियो भी हमारा होटल मैनेजमेंट में है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इस फील्ड में आने वाला फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल सही है बॉस कि यहाँ पे कोविड के बाद, कोरोना के बाद ये जो सेक्टर है बड़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो आने वाले समय में जिन लोगों का इंटरेस्ट है इस फील्ड में, उनको इस करियर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कोर्सेज भी बताऊंगा, सैलरी भी बताऊंगा, कॉलेजेस भी बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में मिलने वाली है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो हे एवरीबॉडी, व्हाट इज अप, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो क्या कर रहे हो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसे वीडियोस जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल पे हमने यहाँ पे कंपनी सीरीज भी शुरू की हुई है, जहाँ पे हम अलग अलग कंपनी से रिलेटेड जॉब्स भी आपको बता रहे हैं, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये है हमारी आफ्टर 12 सीरीज, जहाँ पे हम आप लोगों को अलग अलग कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं। और आज हम, जैसे कि आप लोगों को पता है, बात कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट के बारे में। सो पहले तो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों कि कोरोना के बाद यहाँ पे क्या असर पड़ने वाला है, क्या इस फील्ड में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उस पर बात करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इंडिया जो है अनलॉक के प्रोसेस में है, चीजें धीरे धीरे खुल रही है और हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है वो भी खुलेगा। आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी कि दुबई जो है वो ओपन हो रहा है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, वहां के जो होटल्स वगैरह ओपन हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे थाईलैंड है, इसके अलावा कई सारी यूरोपियन कंट्रीज है जहां पे जो है टूरिज्म को ओपन किया जा रहा है। और हमें पता है कि टूरिज्म और यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी या होटल्स जो है एक साथ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, सो ये भी ओपन हो रहे हैं। इंडिया में भी पता है हमें कि होटल्स जो है यहाँ पे खुल चुके हैं, बट टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, तो इतनी अभी लोगों की कमाई नहीं हो रही है। ये बात एक अलग हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा चीजें ऐसी ही रहेंगी। चीजें जो है बैक टू द नॉर्मल आएंगी, करीबन 1.5 से 2 साल में आप लोग देखेंगे कि वापस से सारी चीजें वैसी की वैसी हो जाएंगी। सो जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको कहीं और स्विच करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज कोरोना है एक टेम्पररी चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना पैशन छोड़ के किसी और फील्ड में जाना है। आप इस फील्ड में बिल्कुल अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अभी बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीजें आप लोगों ने देखनी है अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार चीजें हैं, स्किल क्या रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडवांटेज क्या है, चैलेंजेस क्या है। यहाँ पे मैं बारी बारी सारी चीजें जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप इन चार चीजों को देखें इस करियर में आने से पहले। तो स्किल्स की यही रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों कि जब आप होटल मैनेजमेंट में जाते हैं, आप यहाँ पे कस्टमर से डील करेंगे, या हो सकता है कि आप इंटरनल भी काम करें बट कस्टमर से आपका जो डील है, इंटरेक्शन है, वो होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी यही रहती है कि आपने अगर 12th पास की है तो आप यहाँ पे करियर बना सकते हैं। नो मैटर आपने साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, आर्ट्स में किया है, कोई भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकता है। एडवांटेज की बात करूँ तो मैंने एडवांटेज आपको शुरू में ही बता दिया कि भैया एडवांटेज इतनी सारी है कि एक ऐसा करियर जो आपको इतनी वाइड अपॉर्चुनिटी दे रहा है अलग अलग सेक्टर में काम करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस की, तो दोस्तों चैलेंज ये रह सकता है आपके सामने कि यहाँ पे क्योंकि आपकी शिफ्ट थोड़ी लंबी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपका काम कैसा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए दोस्तों। अभी बात कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे इस फील्ड में करियर बनाना है तो कौन कौन से कोर्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन तीनों ही हो सकता है, बट मैं आप लोगों को कहूंगा कि आपको यहाँ पे डिग्री की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि डिग्री यहाँ पे 3 और 4 साल की होती है, जिसमें आप सारी चीजें डिटेल में अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिकल नॉलेज सीखते हो। अगर डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे बैचलर इन होटल मैनेजमेंट है, इसके अलावा BHMCT यानी कि बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग, ये भी होता है, ये जो 4 साल का है। इसके अलावा BSc भी होता है इस फील्ड में, वो 3 साल का होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा यहाँ पे 1 साल का होता है, और सर्टिफिकेशन डिपेंड करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से जहां से भी आप कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है और इन डिग्रीज को करना है तो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तो यहाँ पे दोस्तों NHMCT JEE का यहाँ पे एक एग्जाम होता है,
होता है जो कि आप देख के इन जो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉलेजेस है उसमें एंट्रेंस अपना पा सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों ये तो बात हो गई कोर्सेज की, अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कॉलेजेस है जहाँ पे आप इन सारे डिग्रीज को कर सकते हैं। तो यहाँ पे IHM जो है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के जो कॉलेजेस है वो सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया में। हालांकि कई सारे जो टॉप के यहाँ पे यू नो होटल्स वगैरह है जैसे ताज वगैरह है वो भी अपने कोर्सेज चलवाती है, तो वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, बट जो टॉप के कॉलेजेस है वो IHM ही है। और अगर हम बात करें कि टॉप का IHM कैसे सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि कोई भी टॉप का कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए वो देख लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको अपना जो बेस्ट कॉलेज है टॉप कॉलेज है वो कैसे सिलेक्ट करना है। जहाँ तक IHM की बात करूँ तो इंडिया में 25 से भी ज़्यादा IHM है जो पूरे देश में ही फैले हुए हैं, जिनमें कई सारे ऐसे IHM हैं जो सेंट्रल के अंदर आते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो स्टेट के अंदर आते हैं, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। जहाँ तक दोस्तों एडमिशन की बात है तो हमने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को NCHMCT JEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है एडमिशन के लिए, उसके स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को IHM में एडमिशन मिलता है। बट अभी कई ऐसे IHM है जो आपको विदाउट इसके स्कोर के भी एडमिशन दे रहे हैं क्योंकि इसका एंट्रेंस एग्जाम कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया है। इनमें से एक है दोस्तों IHM मेरठ, या आप लोगों को आपके 12th के नंबर के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन आपको मिल सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को जाननी चाहिए, ये सिर्फ IHM मेरठ की बात नहीं है, कोई भी IHM आप सिलेक्ट करें आप देखें कि वो इंस्टीट्यूट कितना पुराना है, कितने बैचेस पास आउट कर चुके हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रेनिंग कैसी होती है, टीचर्स कैसे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों आपका करियर जो है वो इन कॉलेजेस के हाथ में है। जितनी अच्छी आपको एजुकेशन मिलेगी, जितनी प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी, उतना आपका करियर अच्छा जाएगा। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके, जैसे कि हम IHM मेरठ की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ IHM मेरठ 33 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था। देखिए एक कॉलेज जितना पुराना होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि कॉलेज जितना पुराना होगा उतना हमारे पास उसके बारे में डेटा होगा। अब हमें पता है कि भाई IHM मेरठ 33 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, 30 से भी ज़्यादा बैच जो है ऑलरेडी पास आउट कर चुके हैं, तो हमारे पास इनका प्लेसमेंट डेटा है। अगर मैं इसकी प्लेसमेंट की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, यू नो चाहे वो टूरिज्म सेक्टर से हो, चाहे यू नो बिग होटल चेन्स हो, या फिर यू नो यहाँ पे एविएशन से हो, सारी कंपनीज़ यहाँ पे आप लोगों को प्लेसमेंट के लिए मिल जाएगी। मैं आप लोगों को एक बार प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेक्शन में टॉप रिक्रूटर वाले सेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितनी कंपनीज़ यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे कैंडिडेट को जॉब जो है मिल चुकी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हिल्टन है, हॉलिडे इन है, इंटरकॉन्टिनेंटल है, ITC होटल है, ली मरीडियन है, इसके अलावा फ्लाइट्स वगैरह एविएशन की बात करूँ तो इंडिगो है, इसके अलावा सिंगापुर एयरलाइंस है, स्पाइस जेट है। आप देख सकते हैं ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है यहाँ पे, जेट एयरवेज है, इंपीरियल है, शांग्रीला है, थाई है, इसके अलावा दुबई का बुर्ज अल अरब जुमेरा है। मतलब आप लोगों को जितनी भी बड़े होटल चेन्स है या फास्ट फूड चेन्स है जैसे कि KFC मैकडोनल्ड, ये आप लोगों को यहाँ पे जो इतनी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, तो स्टूडेंट को अच्छे मौके मिलते हैं। मैंने इसके बारे में रिसर्च भी की थी इंस्टीट्यूट के बारे में, तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है हर साल का। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर साल इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है। इसके अलावा IHM मेरठ की बात करूँ तो ये NCHMCT और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड है और यहाँ पे AICTE से भी अप्रूव्ड है ये, ठीक है जी। और 2019 में IHM मेरठ को टॉप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ इंडिया का अवार्ड भी मिला जा चुका है बाय ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि वेंकैया नायडू जी है। आप लोगों ने इनके होम सेक्शन में आप जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है इमेज भी दिख जाएगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे कौन कौन सी आप लोगों को प्रोग्राम्स मिलते हैं करने को, तो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड दो प्रोग्राम्स जो इनके इंपॉर्टेंट है, एक तो दोस्तों यहाँ पे है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, ये 3 साल का होता है दोस्तों। इसके अलावा बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी BHMCT, ये 4 साल का होता है, तो आप BSc कर सकते हैं या फिर आप BHMCT भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा इन लोगों का कैंपस है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, जिम फैसिलिटी है, वाईफाई है, सो एक इंस्टीट्यूट में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक जो पढ़ने का एक्सपीरियंस है वही
ही अलग मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को यू नो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है कैंपस में, जैसे शॉपिंग मार्ट वगैरह, कैफेटेरिया, वो सारी चीज़ें जो है इसी के अंदर है। ट्रेनिंग वगैरह भी होती है जब आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग भी ये करवाता है 5-स्टार होटल में, ताकि जिससे आप लोगों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। और खैर बात करूँ तो यही सारे पॉइंट्स आपने कंसीडर करने हैं दूसरे कॉलेज भी सिलेक्ट करने से पहले। और IHM मेरठ का भी अभी एडमिशन स्टार्ट है, आप जाके इनसे फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हैं। होम सेक्शन में जाओगे दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पे यू नो इनके नंबर वगैरह मिल जाएंगे, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपनी जो है सीट रिजर्व भी कर सकते हो। एक बार यहाँ पे फ्री काउंसलिंग ज़रूर ले ले, जितनी भी आपके प्रॉब्लम है, डाउट्स है, वो इनसे पूछ ले। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि IHM मेरठ के अलावा भी कई सारे IHM है, तो सीट्स जो है लिमिटेड रहती है टॉप इंस्टीट्यूट की। तो IHM मेरठ वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट में आता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करके जल्दी से अपनी सीट बुक कर सकते हैं। यहाँ सीट नहीं मिलती तो बाकी IHM में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने अपनी एजुकेशन को पूरा करना है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, इस तरीके से आप एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं अभी सैलरी की। तो यहाँ पे दोस्तों ये समझ लो कि जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 15,000 से 20,000-25,000 रुपए तक हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ काम करते हो। अगर आप मर्चेंट नेवी में जाते हो तो सैलरी आपकी इससे भी ज़्यादा हो सकती है, बट यहाँ पे हम एवरेज माने तो 15,000 से 25,000 रुपए आपकी सैलरी हो सकती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे आपकी सैलरीज भी बढ़ती है। देखिए कोई भी करियर में एक बार में तो सैलरी नहीं बढ़ती, धीरे धीरे वक्त लगता है सैलरीज बढ़ जाती है। तो जैसे लेट्स से अगर आप 4-5 साल एक फील्ड में दे देते हो तो हो सकता है आप आने वाले समय में 50,000 या लाख रुपए तक भी पहुंच जाओ, उतना भी आप कमा सको, इतना पोटेंशियल इस फील्ड में है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ आई होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बने तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, हम अपनी आफ्टर 12 सीरीज में उसको भी इंक्लूड जरूर करेंगे। तो जल्दी आप लोगों से मुलाकात होती है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।